मैदान हो रहा है तो जिसमें गाय की पूजा करी जाती है और दूल्हा दुल्हन की। तो अभी यहाँ पे गाय को भी दूल्हा दुल्हन खाना खा रहे हैं और उनकी साली उनको हाथ दिलाती है तो उसका साली को शगुन मिलता है। तो अभी थोड़ी देर में हाथ धोएंगे। सोमेंदर ये बस रोड में सागर रोड में अंतर पता नहीं चल मैं दी आया तो ये जोर सारे जुत भरी द्वारा खाला जी 5,000 तो यहाँ पे साली ने जीजू को हाथ धुला दिए हैं। तो अभी शगुन 5,000 रुपए मांग रहे हैं लेकिन वो 500 रुपए देंगे शायद लड़के वाले। तो दोस्तों भी हो रहा है गुद्राचार और इसमें दुल्हन को भी गोल्ड की ज्वेलरी पहनाई जाती है और इसके बाद जाएंगे फिर वेदी में जहाँ फेरे होंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ वेदी में पहुंच चुके हैं जहाँ फेरे होंगे और बस सबसे पहले पहुंच गए। चलो कुछ बोलो जरा में। तो ये सारे लड़के लड़कियों के लड़की के भाई है सारे। एक साइड फोटो हो रहे हैं और एक साइड ये हमारा ढोल बजाना चल रहा है। तो अगर आपको किसी को शादी में ढोल बजाने के लिए इनवाइट करना हो तो इन्हें ज़रूर करें। तो ये सारे लोग लड़की के साइड के हैं तो ये हमें कह रहे हैं कि आपके गांव की लड़कियां बहुत सारी हैं। तो तो दोस्तों अभी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे तो गढ़वाली में इसे बोलते हैं झूठा खेल। तो दोस्तों अभी वेदी से आने के बाद अभी यहाँ पे गायदान हो रहा है तो जिसमें गाय की पूजा करी जाती है और दूल्हा दुल्हन की। तो अभी यहाँ पे गाय को लाएंगे और जितने घर के बड़े सदस्य हैं वो भी आएंगे और पूजा होगी और सारे लोग गाय के पैर छुएंगे। और मैडम जी को पता नहीं क्यों हंसी आ रही है तो ये खुद बताएंगे कि नहीं क्यों हंसी आ रही है। चले लगा नीलम जोक मार रही है बहुत ही बड़ा जोक मार दिया। तो अभी सारे लोग थक चुके हैं इन्हें भूख लगी है क्योंकि हमने खाना कितने बजे खाया था हमने 1 बजे तक खा लिया था ना 1 बजे तक खा लिया था और सबको नाच नाच के इसको ज़्यादा लगी है मुझे पकौड़े चाहिए इसको पकौड़े चाहिए जो हमने स्टार्टिंग में खाए थे। Hello.
वीडियो बनाने में जाए लगा अरे तो बांगड़ बेली बाबा पीटे लगा ले तुम्हारा लगा अरे वकील साहब इधर बोल भाई आ तू मंदिर में तो दोस्तों भी विदाई का टाइम भी हो गया है। चलो 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 आराम से माता अरे रोहाना यार विदाई हो गई है और हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो हमारे साथ अभी इस गांव के भी लोग हैं जो पीछे से आ रहे हैं और दुल्हन आगे से चली गई है। दूल्हा दूल्हा पीछे से आ रहा है। दूल्हा दूल्हा भी और ये इसने देखो अपनी सालियों पे भी बहुत हल्दी लगाई और खुद पे भी बहुत लगवाई है। देखिए और ये मेरा क्लासमेट है। चलिए तो दोस्तों भी सारे के सारे लोग नीचे आ रहे हैं और हमारे साथ दो बस आई थी तो एक बस में लोग चले गए। हमारे साथ के लोग थे एक बस चली गई है और जो ये लास्ट बस गई है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। तो अभी जब हम सुबह आए थे तो हम सबसे पीछे बैठे थे तो अभी हम सबसे आगे बैठे हैं तो यहाँ पर भी ऐसे भर भर के बैठे थे। तो दोस्तों अभी हम अपने गांव पहुंच गए हैं तो अभी दूल्हा दुल्हन का स्वागत कुछ इस तरीके से होता है। तो अभी जो दूल्हा दुल्हन है जो उनके बड़े हैं उनके पैरों में चावल रखेंगे तो इस तरीके से बड़े उनको आशीर्वाद देंगे। दोस्तों अभी जो घर के बाकी लोग हैं वो दुल्हन के पैर धोएंगे और दुल्हन उनके पैर धोएगी। आवाज भी नहीं आवा तुम फरते आपको गप जोर जोर से आ जरा कम कम अबू इन्हें दिखो ओ दादा इन्हें दिखो तुम भी दिखो कन बनने वाला खाना बढ़िया क्या चाहिए आज खाना में हाँ घर खाना मजे चाहिए दिल्ली खाना मजे चाहिए इसी में आज विश्वास करते हैं आप लोग हमारे को इस प्रकार खाना खाने का मौका दें। हाँ हाँ जरूर देंगे। क्या खा रहे हम कर रहे हैं जुआ कर रहे हैं आप इन बड़े बाड़े खाना घर में बाड़े डिलीट कर देना। हाँ डिलीट कर देना ध्यान जाएगा बाड़ा में आज भात पोड़ा बना क्या मर्ची पोड़ी। हाँ हाँ शुभम जरा अरे यार नहीं खा ले अब तेरे को तो दाल भी नहीं मिली मुझे लग रहा थंबनेल में मुझे डाल दे। हाँ जरूर कुछ ज्यादा ही व्यूज आ जाएंगे। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज रहे हैं 12 और अभी मैं नीचे गांव में से आ रही हूँ। लोग वहाँ थड़े गीत लगा रहे थे तो बारात से आने के बाद हम गए थे खाना खाने और खाना खाने के बाद हम नीचे गाँव में गए। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इंपेंट करते हैं मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में और अगर आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।